हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल हमने किया था क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। हमने कल कर लिया था, क्लास सिक्स का मैथ हमने स्टार्ट किया है और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और आपने अच्छे से उसको कर भी लिया होगा। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 हम कल एक्सरसाइज कम्प्लीट कर चुके थे। सो गाइस, कल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे, लेकिन आज वर्ड प्रॉब्लम है। गाइस, होता है कि एक्चुअल में बच्चों को समझ आता नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम में उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में है क्या रहा है। सो गाइस, आज हम करेंगे और आप अच्छे से उसको समझना। आपको यदि स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन का, तो अटेम्प्ट तो आप अच्छे से कर ही लोगे। सो आई होप आप अच्छे से इस वीडियो को देख कर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज। बुक एग्जीबिशन था किसी स्कूल के अंदर 4 डेज। कितने दिन के लिए था? हाउ मेनी डेज हियर? 4 डेज। सो गाइस, इसके अंदर क्या बताना है? द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर। जो टिकट्स थे वो सोल्ड किए गए थे काउंटर से ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। वाज रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या है कि जो फर्स्ट डे है उसको 1094 टिकट सोल्ड हुआ, सेकेंड डे को 1812, थर्ड डे को 2050 एंड फाइनल डे को 2751 टिकट सोल्ड हुआ। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। 4 दिन के अंदर उन्होंने कितना टिकट सोल्ड कर दिया, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी एग्जीबिशन हो रहा था, उसके अंदर किसी काउंटर से 4 दिन के लिए टिकट बेचा गया। फर्स्ट डे के अंदर उन्होंने टिकट बेचा 1094, सेकंड डे में उन्होंने बेचा 1812, थर्ड डे में उन्होंने बेचा 2050 एंड फाइनल डे 2751। लेट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। यदि कोई ये बच्चा है, ये एक दिन में, वन डे के अंदर चपाती खाता है 2, सेकंड डे वो खाता है 3, थर्ड डे को वो खाता है 2, फोर्थ डे को फिर वो वापस खाता है 3, तो हाउ मैनी चपातीज एट, हाउ मैनी चपातीज एट बाय हिम? 3 to 6 और 3 to 5 और 2 to 7 और 3 to 10। तो हाउ मैनी चपातीज एट बाय हिम? 10 चपातीज। तो हमने क्या किया कि उसने टोटल कितना चपाती, एक दिन में उसने 2 खाया, सेकंड डे उसने 3 खाया, फिर 2, फिर 3, तो उसने टोटल कितना खाया? 10 चपातीज। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब एग्जीबिशन हो रहा था तो फर्स्ट डे को उसने कितना सोल्व किया? द नंबर ऑफ, सो गाइस, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट फर्स्ट डे। फर्स्ट डे को उसने कितना टिकट सोल्ड किया था? रेस्पेक्टिव मीन्स फर्स्ट डे को उसने 1094। आफ्टर देन गाइस, सेकेंड डे में उसने कितना किया? सेकेंड डे के अंदर 1812। थर्ड डे के अंदर उसने कितना सोल्ड किया? 2050। फोर्थ डे मीन्स फाइनल डे में उसने कितना किया? 2751। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल टिकट नंबर ऑफ टिकट्स कितना सोल्ड किया उन्होंने, टोटल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ऐसे ही इसको 4 to 6 और 1 to 7, 9 to 10, 15 to 20, 2 कैरी चला जाएगा, 8 to 10 और 7 to 17, 1 कैरी, 1 to 3 to 5 और 2 to 7। तो उसने कितना टोटल टिकट सोल्ड किया इन 4 डेज? 7707 टिकट उसने सोल्ड किया। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कोई क्रिकेट प्लेयर है, फेमस है वो।
ही हैज सो फार स्कोर्ड, उसने कितना रन स्कोर किया, 6980 रन उसने स्कोर किया इन टेस्ट मैच। ही विशेस टू कम्प्लीट 10,000, उसका उसको कितना कम्प्लीट करने की इच्छा थी कि मैं 10,000 रन स्कोर करूं। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, उसको कितने की और जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का ये समझ में आ गया होगा। आपको यदि स्टेटमेंट समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं। लेट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे के पास 10 रुपीज है और वो चॉकलेट लेने जाता है शॉप पे, तो शॉप वाले अंकल बोलते हैं कि वो बोलता है कि बच्चा बॉय बोलता है कि अंकल मेरे को 3 चॉकलेट दे दो। तो अंकल बोलता है उसको कि एक चॉकलेट 5 रुपीज की है तो 3 चॉकलेट 15 रुपीज की है, कितना 10 रुपीज, और चॉकलेट कितने की आएगी 15 रुपीज की, तो उसको कितना और जरूरत पड़ा। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसको कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी, 5 रुपीज की। ऐसा ही क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, जो शेखर था उसने स्कोर किया कितना रन, शेखर स्कोर्ड रन्स कितना किया, 6980 रन्स उसने स्कोर किया। ही विशेस कितना, उसका विश कितना था 10,000 का, तो उसको नीड कितने की पड़ी, भाई नीड बताना है। तो जब उसको जितना जरूरत था, कितना जरूरत था, टेन थाउजेंड जरूरत, कितना उसने स्कोर कितना किया, 6980, तो कितना उसको और जरूरत पड़ेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। आप ऐसे करके कर लेना बच्चों, अच्छे से समझ आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है जीरो, यहाँ पे यहां से कैरी लेगा तो 9, ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा 9, यहाँ पे फिर 10, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10 में से हट गया 2, यहाँ पे कितना 9 बचा रिमाइंडर, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था ये इससे कैरी लेगा तो 10 और इसको दे देगा तो यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6 गया 3, तो 3020 रन की उसे और जरूरत पड़ती तो उसका कंप्लीट हो जाता जितना वो चाह रहा था, जितना विश उसको उसको 10,000 के लिए था। उसने स्कोर किया 6980 और उसको चाहिए कितना था 10,000, तो उसको कितने की नीड हुई, 3020 रन्स उसको और चाहिए था। सो गाइज ये इसका आंसर था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3।